दोस्तों अगर आप स्नैपचैट के अंदर एज अ नॉर्मल स्नैप सेंड करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर किसी को सेंड होते ही एक बार देखने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, तो आज का टॉपिक आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एज अ नॉर्मल स्नैप सेंड करने के बारे में पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलते अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप स्नैपचैट को ओपन करोगे, स्नैपचैट ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैमरा रोल के अंदर जाना है। कैमरा रोल के अंदर जाने के बाद अपने किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करना है। जो भी दोस्तों आप यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड को सिलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ पर पिक्चर्स को सेंड करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको सेंड कर दिया, मैं आपको यहाँ पर उसकी प्रोफाइल को ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं उसके मैसेज को ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एज अ पिक्चर सेंड होगी, नो के नॉर्मली स्नैप सेंड होगी। अब नॉर्मली स्नैप आपने ऐसे इसको बनाना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने बैक में जाना है और अपनी स्नैपचैट के अंदर दोबारा से आपने ओपन कर लेना है, अपने कैमरे को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ऊपर की जानिब स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फिल्टर को एक को सर्च कर लेना है जिसका नाम है GRWN ग्रीन। तो यहाँ पर मैं सिंपली उसको यहाँ पर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्रीन लिख लेता हूँ। जैसे ग्रीन लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स आ जाएंगे, इनमें से मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे आप सिलेक्ट करोगे और चूज करने के बाद दोस्तों वो पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिसको आप सेंड करना चाहते हो, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर खींच हो जाएगी, लेकिन अभी भी आपके पास इस तरीके का स्नैप नहीं बनेगी। आपने क्या करना है, नेक्स्ट ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो बंदे को आप स्नैप सेंड करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करना है, और सेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपने दोबारा से अपनी स्नैपचैट को ओपन करना है। और स्नैपचैट को दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने मैसेज वाले ऑप्शन में जाना है जिसके अंदर आप चैट करते हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी एज अ नॉर्मल स्नैप सेंड हो चुकी है पिक्चर। ऑटोमेटिकली एक बार देखने पर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से आप नॉर्मल स्नैप सेंड कर सकते हो जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।